चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कांकेर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेप मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हो गई है। झारखंड पुलिस और जिला पुलिस को दो टीम रवाना करनी पड़ी। धमतरी और बालोद की ओर से टीम रवाना हुई है। रेप के आरोपियों के घर पर झारखंड पुलिस ने नोटिस थमाया है। वहीं आरोपियों को कांकेर थाने में उपस्थित होने का भी नोटिस दिया गया है। झारखंड पुलिस के डीएसपी सुमित कुमार पहुंचे हैं कोतवाली थाना। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार भी शामिल हैं। झारखंड पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाई है। तो रेप मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई। आपको बता दें, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। धमतरी और बालोद की ओर से टीम रवाना की गई है। रेप के आरोपियों के घर पर झारखंड पुलिस ने नोटिस भी थमाया है। तो ये तस्वीरों में आपके सामने पुलिस एक्शन में आपको दिख रही होगी और टीम जो है रवाना हो गई है। धमतरी और बालोद की तरफ से जो है टीम रवाना हो गई है और रेप के आरोपियों के घर पर झारखंड पुलिस ने नोटिस भी थमा दिया है। दो तस्वीर आपके सामने देखिए, आरोपियों के घर पर नोटिस थमा गया है, पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर जहां आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना होती हुई दिख रही होगी आपको। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो रेप मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। तो वहीं झारखंड पुलिस के डीएसपी सुमित कुमार भी कोतवाली थाना पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें, झारखंड पुलिस ने मीडिया से दूरी बना ली है। तो रेप मामले में ये झारखंड पुलिस एक्शन में आपको दिखाई दे रही होगी। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं जहां आरोपियों के घर पर नोटिस भी थमा दिया गया है, पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीरों में पुलिस जो है दो टीम रवाना की गई है, उसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का वीडियो सामने आया है। ब्रह्मानंद नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 10 बजे थाने पर नोटिस जारी कर बुलाया था, अभी तक थाने नहीं पहुंचे तीनों आरोपी। तो ब्रह्मानंद नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल हुआ है। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, जिनका वीडियो सामने आया है, जनसंपर्क करते वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल वाला वीडियो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस ने 10 बजे थाने पर नोटिस जारी कर बुलाया था, लेकिन अभी तक थाने में तीनों आरोपी नहीं पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे जनसंपर्क करते जो है ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, और ये देखिए पैर पड़ते हुए भी नजर आए। ये बीजेपी प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, और पुलिस ने 10 बजे थाने पर नोटिस जारी कर बुलाया था, लेकिन अभी तक थाने में तीनों आरोपी नहीं पहुंचे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुशील सलाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये वीडियो वायरल होने वाला मामला, और वहीं थाने में अभी तक तीनों आरोपी नहीं पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, झारखंड पुलिस और स्थानीय पुलिस आज सुबह तीनों अभियुक्तों के घर में गई हुई थी और वहां पर नोटिस चर्चा किया गया था कि 10 बजे तक कोतवाली थाने में पहुंचे, लेकिन अभी तक तीनों अभियुक्त कोतवाली थाने में नहीं पहुंची है। साथ ही ब्रह्मानंद नेताम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो दुर्गकुंडल के खोड़ेपुर से क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहा है। हालांकि यह वीडियो हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वायरल हो रही है। बिल्कुल सुशील, तो पुलिस ने 10 बजे थाने पर नोटिस जारी कर बुलाया था, लेकिन अभी तक थाने में ये तीनों आरोपी नहीं पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता दें, जहां ब्रह्मानंद नेताम को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं पर अमरजीत भगत ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी के लोग ने दस्तावेज ही उपलब्ध कराए हैं, ऐसा अमरजीत भगत ने कहा। बीजेपी के अंदर इतनी कला है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं, पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाए। तो अमरजीत भगत का बयान आपको बता दें, बीजेपी नेताओं पर अमरजीत भगत ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग ही दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं, बीजेपी में इतनी कला है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं, पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाए, ऐसा अमरजीत भगत ने कहा।
तो ब्रह्मानंद नेताम का वीडियो को लेकर जो है मंत्री अमरजीत भगत का बयान आपको बता दें, उन्होंने कहा है बीजेपी के लोग नहीं दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अपना काम करेगी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहां से बीच में आ गए? हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। तो देखिए अमरजीत भगत का बयान आपको बता दिया हमने कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग नहीं दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और बीजेपी के अंदर इतनी कला है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं, तो पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाएं, ऐसा कहा अमरजीत भगत ने।